सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने इस ईयरबड की अनबॉक्सिंग की थी और अपने इनिशियल इम्प्रेशन बताए थे कि ये ईयरबड कैसा लगा मुझे पहली बार देखने में। अब मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 7 डेज हो गए हैं और अब मैंने इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया है, मतलब मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है। तो अब मैं इसका इन डेप्थ और डिटेल रिव्यू दे सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम इसके डिटेल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप कोई इस ईयरबड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, जिसको ज़्यादातर लोग जिस वजह से ईयरबड खरीदते हैं सॉन्ग वॉन्ग सुनने के लिए। तो इसमें 13 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, और ड्राइवर्स में क्या है कि अगर बड़े ड्राइवर्स होते हैं तो वो उतना अच्छा आउटपुट देते हैं, और इसमें आपको 13 mm के बड़े ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको जो बेस होगा, बेस और जो सॉन्ग है ट्रेबल है, वो काफ़ी अच्छा सुनाई देता है आपको। मतलब सुनने में बहुत सूदिंग सा फील होता है, मतलब बिल्कुल भी इरिटेशन, आप 100% फुल वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। और काफ़ी अच्छा पंची बेस मिलता है आपको देखने को, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ही हैवी बेस है, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि जो सॉन्ग की जो क्लियरिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आपको सुनाई देती है, मतलब पूरा आपको सॉन्ग सुनाई देगा प्रॉपर। मतलब जैसे इससे पहले मैंने एक अनबॉक्सिंग की थी, बोट का एयरडॉग 131 प्रो था, तो उसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, उसको जब मैंने यूज़ किया तो उसका बेस बहुत काफ़ी हाई था, आपको बेस सुनने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उसका बेस, लेकिन उसमें जो सॉन्ग था वो आपको इतना क्लियर नहीं सुनाई देता था। तो बट इसमें क्या है कि इसमें बेस उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन हल्का सा उससे कम है, लेकिन इसमें ट्रेबल जो है वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग आपको सुनाई देता है। तो बहुत बैलेंस्ड है, ये सॉन्ग और बेस दोनों बहुत अच्छे से आपको सुनाई देता है, तो आपको सुनने में जो फील आती है ना वो बड़ी अच्छी आती है। तो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, अगर मुझे 10 में से नंबर देना पड़े तो मैं इसको नंबर दूंगा 8 out of 10। अब दूसरी बात करते हैं जिस वजह से मैंने ये ईयरबड खरीदा था, वो है इसकी क्वालिटी की वजह से, क्योंकि ये 599 का ये अकेला ऐसा ईयरबड था जिसमें क्वाड माइक मिल रहा था। तो मैंने इसलिए इसको ख़रीदा क्योंकि मुझे कॉल की बहुत ज़रूरत होती है, मैं कॉल ज़्यादा करता हूँ, तो कॉल क्वालिटी में ये काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म करके दिया है, और जो क्वाड माइक हैं वो सच में अच्छे से काम करते हैं, तो मैं इसकी कॉल क्वालिटी से बहुत खुश हूँ। आप अगर ये ईयरबड खरीदते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में आपको कॉल क्वालिटी के हिसाब से इससे अच्छा कोई ईयरबड मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। तो कॉल क्वालिटी के लिए अगर मुझे इसको नंबर देने हो तो मैं दूंगा 9 out of 10। अब तीसरी बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो आप इसको देखोगे तो आपको देख के इसको मतलब एकदम ऐसे प्यार होने वाला है इससे, मतलब इसका जो डिज़ाइन दिया है, जो फिनिश दी गई है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इतना सस्ता आता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि 599 में मिलता होगा ये आपको। ये 1500 से ऊपर जो ईयरबड आते हैं उस तरह की फिनिश और जो प्रीमियमनेस जो दी गई है, उस तरह की क्वालिटी दी गई है, तो ये यूज़ करने में, आपको ऐसे पकड़ने में, इसको रखने में, और आप कहीं बाहर खोलते हो तो इसको शो करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, और इसमें थोड़ा लाइट्स वाइट्स भी जलती है, जैसे अभी देखिए ये लाइट्स आपको ब्लिंक करते हुए दिखेंगी। अभी जो इसका बिल्ड है वो बहुत अच्छा है, बिल्ड के मामले में तो मैं इसको 10 out of 10 दूंगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मैंने ऐसी बिल्ड क्वालिटी नहीं देखी किसी ईयरबड की। मैं 2-3 ईयरबड यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है। अब फिट एंड फिनिश की बात करें तो इसका जो ईयरबड्स हैं वो थोड़ा यूनिक से दिए गए हैं, और ये कान में बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं इसकी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ये बड का पार्ट है, मतलब ये आपके जो ऊपर से जो सॉफ्ट बड्स लगाते हैं ये बड्स पूरे इसके साथ निकल जाएगा, और आपके साथ इसके साथ जो और बड्स मिलते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको आप स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो क्या होता है कि कई बार आपके कान में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तक यूज़ करने में, बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करने में, इससे हल्का सा आप यूज टू नहीं हो तो हल्का हल्का स्टार्टिंग में पेन होने लगेगा,
लेकिन आप इसको निकाल के दूसरे बड्स यूज कर सकते हो, तो ये फिक्स्ड नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी ईयरफोन्स में ये चीज़ फिक्स आती है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। तो ये मतलब अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप वर्कआउट वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, उस टाइम ये चीज़ ये ईयरबड यूज़ करते हो, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से जो कान में जो ग्रिप मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, आपका ईयरबड जल्दी गिरेगा नहीं, कोई भी गिरने के चांस नहीं होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ईयरबड की भी आप फिनिश देखोगे तो काफ़ी अच्छी फिनिश दी गई है। यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी से भी मैं बहुत खुश हूँ, और इसकी जो फिट है, जो ये फिट होता है कान में, उससे भी मैं मुझे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है इससे। तो अगर मुझे इसको नंबर देना पड़ा तो मैं इसको दूंगा 8 out of 10। अब तीसरी बात करते हैं इसमें गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए इसमें एक्स्ट्रा गेमिंग का मोड दे रखा है, जो आप टच कंट्रोल्स के थ्रू आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, सेपरेट गेमिंग मोड दे रखा है। और जब आप गेमिंग मोड में चले जाओगे तो आपको जो लेटेंसी है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, मतलब 40 ms की लेटेंसी, उससे भी कम लेटेंसी देखने को मिलेगी। तो उससे क्या होता है कि जब आप गेम जो साउंड वहाँ पे गेम में जिस टाइम साउंड आता है तो उसी टाइम आपको भी सुनाई देगा वो साउंड, अदरवाइज अगर लेटेंसी ज़्यादा होती है तो वो क्या वो साउंड जो है वो थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। बट ये स्पेशली इसमें गेमिंग मोड दिया गया है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेमिंग का। मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा मैं गेम खेलता नहीं और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ट्राई किया, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे अगर रेटिंग देना हो तो मैं इसको 8 out of 10 दूंगा। अब इसके पावर बैकअप की बात करते हैं, तो ये आपको ऑलमोस्ट 30 hours का, मतलब बॉक्स के साथ केस के साथ ये 30 hours का आपको प्ले टाइम दे देता है। और जो ईयरबड्स हैं वो आपको मतलब 6 घंटे बोला गया है, लेकिन वो आपको आप फुल वॉल्यूम पे भी यूज़ करते हो तो भी आपको 4 से 4 साढ़े 4 घंटे तो आराम से आपको बैकअप देंगे लगातार यूजेस का। लगातार आप सॉन्ग सुनोगे और या लगातार आप बात करते रहोगे तो वो 4 से 4.5 घंटे तक का आपको आराम से बैकअप देगा। तो नॉर्मली जो भी ईयरबड्स आते हैं वो यही 1000-1500 रुपये तक के जो भी ईयरबड्स आते हैं वो उनमें यही बैकअप मिलता है, तो बैकअप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर बैकअप से भी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, और इन 7 days में मुझे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करना पड़ा, कितनी क्योंकि इतना हैवी यूज़ नहीं है मेरा, तो मुझे इतना चार्ज भी नहीं करना पड़ा। मैंने ऑलमोस्ट 7 दिन में इसको दो बार शायद चार्ज किया होगा फुल, और एक एक घंटे के आसपास ये करीब लेता है टाइम फुल चार्ज होने में, और उसके बाद आप यूज़ करोगे तो आप अगर नॉर्मली यूज़ करते हो जैसे सब लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना हुआ, थोड़ा वीडियोस देखनी हुई, थोड़ा बात करना हुआ, तो उसके लिए ये आपको आराम से 3 से 4 दिन आराम से आपका 3 साढ़े 3 दिन आराम से निकाल देगा। तो आप आराम से एक बार चार्ज करके आराम से आप 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हो इसको। तो इसमें भी रेटिंग देनी हुई तो मैं वही रेटिंग दूंगा 8 out of 10। और ये जो मैं इसको रेटिंग दे रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और ये जिस प्राइस रेंज में आता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं इसको रेटिंग दे रहा हूँ, तो उस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा ईयरबड है। तो यही था मेरा जो मुझे फील हुआ जितना मैंने इसको यूज़ किया और जो मुझे पता चला इस ईयरबड के बारे में, वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। और अगर एक कंपेरिजन करें तो मेरे पास है कि ये विंग्स का ही ईयरबड है, और ये मैंने 1.5 साल पहले खरीदा था, और ये ईयरबड मुझे मिला था 1600 का, और ये ईयरबड मुझे मिला है 599 का। अगर इन दोनों ईयरबड को कंपेयर करो तो दोनों विंग्स के हैं, बट ये ईयरबड इससे काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये ईयरबड आपको निकाल के देता है जो मुझे फील हुआ। तो आप मुझे नहीं लगता कि 1000 या 1200 के आसपास जो भी ईयरबड्स आते हैं उनसे ये कंपैरिजन में कहीं पीछे रहेगा, ऑलमोस्ट उतनी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक ईयरबड लेना है अंडर 1000 तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर ये 599 या 699, अगर मेरे पास कूपन था तो मुझे 599 का मिल गया, अगर आपके पास कूपन नहीं भी है तो भी ये 699 का भी
अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट मिल रहा था, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो 699 में बहुत ही अच्छा ईयरबड है और बहुत ही बैलेंस्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई ईयरबड 1000 के अंदर ख़रीदना है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई भी दिक्कत होगी या फिर कोई प्रॉब्लम होगी। तो यही था मेरा रिव्यू और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के थ्रू आप अगर ये ईयरबड खरीदना चाह रहे हो तो आप अपना डिसीजन बना पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।